खरगोन जिले के चित्तौड़गढ़ भुसावल स्टेट हाईवे स्थित नगर परिषद विष्टान में सोमवार सुबह एक तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने सड़क किनारे खड़े युवक को टक्कर मार दी, जिसमें युवक की मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसा इतना भयावह था कि शव देख लोग सिहर उठे। पिकअप का पहिया मृतक के सिर के ऊपर से गुजर गया, जिससे चेहरा छत विछत हो गया था। हादसे के बाद चालक सहित वाहन को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। मिली जानकारी अनुसार बलिराम आशाराम दरबार, उम्र 35 वर्ष, नवलपुरा निवासी होकर पिकअप चालक है। सोमवार सुबह वह पिकअप लेकर बिस्टान पहुंचा था। इसी दौरान सड़क किनारे वाहन रोककर खुद सड़क किनारे खड़ा था। इसी दौरान पिकअप ने उसे रौंद दिया। हादसे के बाद बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। लोगों का कहना है कि यह मार्ग आवाजाही का मुख्य मार्ग होने से दिन भर तेज रफ्तार वाहन दौड़ते हैं। कई बार हादसे होने पर स्पीड ब्रेकर की मांग की, लेकिन वाहनों की रफ्तार पर लगाम लगाने पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नतीजतन हादसे हो रहे हैं और लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। मृतक का PM जिला अस्पताल में किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। अभी ये हाईवे पे विष्टान बस स्टैंड के ऊपर संगम मैरिज के सामने रफ्तार पिकअप में एक युवक को रोन दिया, जिसका नाम बलिराम दरबार था। और ये गांव में इतना ट्रैफिक होने के बाद में भी स्पीड ब्रेकर की मांग बार बार गांव वाले करते आए हैं। अच्छा, इससे पहले भी आप अवगत करवा चुके हो पंचायत? अवगत करा चुके हैं। अच्छा, अच्छा। स्पीड ब्रेकर नहीं बन रहा है। सबसे बड़ी मांग हमारी यहाँ की आप स्पीड ब्रेकर बने। अच्छा अच्छा। और एकदम बस स्टैंड से सटा एरिया है हाईवे, बहुत तेज रफ्तार से गाड़ियाँ आती है और एक्सीडेंट का भय हमेशा बना रहा है। बार बार अवगत भी करा चुके, लेकिन स्पीड ब्रेकर नहीं बन रहा है। क्या कारण है ये नहीं हम जानते, लेकिन हाईवे वालों ने यहाँ पर स्पीड ब्रेकर बनाना चाहिए। राजेश मालवी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।